बी ए फॉर्ट के फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज उसी क्रम में हम रॉक्स वाले टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, उसमें इग्नियस रॉक्स क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये कई बार सवाल एग्जाम में आ जाता है। हमने पहले भी आपको बताया है कि जब भी कभी कोई इस तरह का सवाल आता तो उसका चार्ट बनाना प्रैक्टिकल के रूप में या ज्योग्राफी के थ्योरी के रूप में ज़रूरी हो जाता है। तो आग्नेय शैलों का भी इस तरह से पहले आप चार्ट बनाएं, उसके बाद में उसका वर्णन करें। तो आग्नेय शैलों का यदि वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसमें चट्टानों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इनके खनिजों की रचना, कणों की बनावट तथा आकार एवं विभिन्न आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति की प्रक्रिया में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ अकरेंस, मतलब उत्पत्ति की प्रक्रिया की इग्नियस सेल का की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, अंतर्निर्मित आग्नेय सेल, और नंबर दो, बाह्य निर्मित सेल, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब उत्पत्ति के आधार पर इस आग्नेय सेल को दो भागों में बांट दिया गया है, अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित सेल। अब अंतर्निर्मित सेल को भी आप चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं कि इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स। तो ये अंतर्निर्मित आग्नेय सेल है, इसको दो भागों में बांटा है, एक पातालीय आग्नेय सेल और मध्यवर्ती आग्नेय सेल। अब ये पातालीय आग्नेय सेल क्या है विद्यार्थियों? इस प्रकार की आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है। मतलब ये जो पातालीय सेल है, इनमें चट्टानें जो बनती हैं फॉर्मेशन के द्वारा, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई पर बनती हैं, जिनका ठंडा होना, जमाव और ठोस होना अधिक गहराई में होता है। यहाँ पर तापमान अधिक होता है, अतः इनके ठंडा होने की गति मंद हो जाती है। इस कारण में इनके रवें अधिक तथा बड़े पाए जाते हैं। यदि प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स का यदि उदाहरण देखें तो ग्रेनाइट जो चट्टान है, ये इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी प्रकार से मध्यवर्ती आग्नेय शैल या हाइपरबेसल इग्नियस रॉक्स की बात करें, इसमें दो भाग है, पाताली और मध्यवर्ती। मध्यवर्ती में जब ज्वालामुखी के उद्गार के समय गर्म एवं तरल मैग्मा ऊपर उठता है और धरातली अवरोध के कारण दरारों, छेदों तथा नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। कहने का मतलब है कि जब आंतरिक भाग में वॉल्केनोस के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में मूवमेंट्स होते हैं, लावा ऊपर की ओर उठता है और धरातल का जो सरफेस कठोर होता है, तो उसके आधार पर आंतरिक भाग मलबा वहीं अनेक फॉर्मेशंस में जमा हो जाता है, तो उसको हम हाइपरबेसल या मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय शैल कहते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण की बात करें हम, तो बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, डाइक, सिल तथा नेक के रूप में हैं। इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेशंस में बन जाता है। तो ये दो पार्ट हो गए इसके, अंतर्निर्मित आग्नेय शैल और मध्यवर्ती आग्नेय शैल, ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के, और मध्यवर्ती शैल। अब बाह्य निर्मित आग्नेय शैल की बात करें तो उसको भी दो भागों में बांटा गया है, विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार, एक्सप्लोजिव टाइप्स ऑफ रॉक्स और क्विट टाइप ऑफ रॉक्स। तो इसमें बाह्य निर्मित शैल में विस्फोटक प्रकार के जो द्वारा निर्मित चट्टाने हैं, उसमें ज्वालामुखी का उद्गार काफ़ी तीव्र गति से होता है तथा विभिन्न आकार और प्रकार के पदार्थ बड़ी ऊंचाई तक उछाल दिए जाते हैं। बाद में इनका जमाव सतह पर होता है, चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को। अब इसमें हम देखें कि जब हो सकता है पीलियन ज्वालामुखी आए, स्टाम्बोली ज्वालामुखी हो या वल्केनियन ज्वालामुखी आए, तो जब ज्वालामुखी के कारण जो उनका जो मलबा है, बड़े बड़े पदार्थ है, ऊपर उछाल दिए जाते हैं और वो धरातल पर आकर जमाव सतह पर जम जाते हैं। तो चट्टानों के बड़े टुकड़ों को, उसमें बड़े बड़े टुकड़े जिनको बम कहते हैं, उससे छोटे भाग को लेपिली कहते हैं तथा बहुत छोटे महीन कणों को धूल कहा जाता है। तो कई बार ये एग्जाम पूछ लेते हैं कि लेपिली किसे कहते हैं, ये लेपिली का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसी तरह इनमें बारीक पदार्थों का जमा होता है, उसको टफ कहते हैं। तो ये विस्फोटक पदार्थ हुए। दूसरा, शांत उद्गार से निर्मित चट्टानों का निर्माण करें, क्वाइट टाइप्स ऑफ रॉक्स में, तो इसमें छोटे छोटे सुराखों से मैग्मा धरातल पर शांत रूप में आकर फैल जाता है। मतलब जब वॉल्केनोज आता है और
उसमें धीमी गति से आता है तो लावा या मैग्मा जो है वो धरातल पाकर फैल जाता है और जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से जो निर्मित सेल को भाई आग्नेय सेल कहते हैं। ये भाई आग्नेय सेल का मतलब पूछ सकते हैं। प्राय ज्वालामुखी को दरारी जो उद्गार होता है उससे ये लावा अत्यधिक भाग धरातल के ऊपर विस्तृत भाग पर फैल जाता है। इस प्रकार से निर्मित सेलों को ज्वालामुखी सेल भी कहते हैं। तो ये शांत प्रकार के ज्वालामुखी हो गए। उसके बाद में दूसरे कणों के आधार पर अकॉर्डिंग टू टेक्सचर्स, उसके जो कण हैं उनका टेक्सचर के आधार पर आग्नेय सेल किस प्रकार से बनती है। तो बड़े कणों वाले आग्नेय सेल है, महीन कणों वाले आग्नेय सेल है। तो ये बड़े कण और छोटे कणों की जो बात कर रहे हैं उसमें बनावट की, ये कह सकते हैं कि बनावट की रचना के आधार पर भी ये हो सकती हैं। दूसरा प्रकार है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, केमिकल अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स। इस रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण को हमने, विभिन्न आग्नेय चट्टानों का रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है परंतु प्रत्येक प्रकार के आग्नेय सेल में सिलिका की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य रहती है। सिलिका की मात्रा के आधार पर आग्नेय चट्टानों को भी चार वर्गों में बांट दिया गया है। इसको मतलब केमिकल फॉर्मेशन के आधार पर इनको चार वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक एसिडिक इग्नियस रॉक्स, नंबर दो बेसिक इग्नियस रॉक्स, नंबर तीन मध्यवर्ती इग्नियस रॉक्स और नंबर चार अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक्स। तो ये एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं। उसको यदि आधार की बात करें तो इस आधार पर हम बात करते हैं तो जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा, मतलब एसिडिक रॉक्स कौन सी होंगी इग्नियस रॉक्स, कि जब आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है, मतलब सिलिका की मात्रा मोर देन 65 से 85 के बीच में होती है तो उसे अम्ल प्रधान आग्नेय सेल कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.75 से 2.8 होता है तथा खनिजों का संबंध उसमें क्वार्ट्ज तथा सफ़ेद पीले रंग के फेल्डस्पार खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं परंतु लोहे तथा मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है, इस कारण से इनका रंग पीला होता है। ये चट्टाने जो हैं अपरदन से आसानी से इनमें संभव नहीं हो पाता है, इस कारण सेलों का प्रयोग मकान बनाने में अधिक किया जाता है। यदि एसिडिक रॉक्स का, यदि एसिड इग्नियस रॉक्स का यदि उदाहरण की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट जो चट्टान है वो इसका मुख्य उदाहरण है। बेसिक इग्नियस रॉक्स ये आग्नेय सेल का सिलिका का प्रतिशत 45 से 60% तक रहता है, मतलब सिलिका के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मात्रा अधिक होती है तो वो इग्नियस होगा, वो एसिडिक होगा, और उसकी मात्रा 45 से 60 के बीच में रहेगी तो बेसिक रॉक्स कहलाएगी, उसे बेसिक सेल कहते हैं। इसका औसत घनत्व की बात करें तो 2.8 से 3.0 तक होता है, मतलब वहाँ घनत्व थोड़ा सा 2.75 से 2.8 था, ये 3 तक है। बेसिक चट्टानों में फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है और फेल्डस्पार की कमी होती है। लोहे की अधिकता से चट्टानों का रंग गहरा होता है। बेसिक चट्टान वजन में भारी होती है, अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है, इसमें कण बारीक होते हैं। और इस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण हमारा बेसाल्ट जो चट्टान है इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है। बेसिक इग्नियस रॉक्स में बेसाल्ट है, ग्रेबो है तथा डोलेराइट प्रमुख चट्टाने हैं। तीसरी जो है इमीडिएट इग्नियस रॉक्स है, मध्यवर्ती इमीडिएट जो इग्नियस रॉक्स है या मध्यवर्ती सेल है। जब आग्नेय सेलों में सिलिका की मात्रा एसिड तथा बेसिक चट्टानों के बीच की होती है, मतलब इन दोनों के बीच की यदि मात्रा होती है सिलिका की तो उसे मध्यवर्ती आग्नेय सेल भी कह देते हैं। इनका घनत्व 2.75 से 2.8 होता है और इसका जो प्रमुख उदाहरण है वो डायरोटाइट और एंडेसाइट है तथा अंतिम है अल्ट्रा बेसिक चट्टाने, अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। जब आग्नेय सेल में सिलिका की मात्रा लेस देन 45% होती है, घनत्व 2.8 से 3.4 होता है तो उस सेल को अल्ट्रा बेसिक चट्टान कहते हैं। और पेरिडोटाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। तो इस आधार पर हम चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। और अंतिम जो इसका है बड़े कणों और छोटे कणों वाली चट्टानों का आधार, तो कणों के आधार पर दूसरा वर्गीकरण है उसमें मध्यवर्ती कणों वाली सेल, छोटे कणों वाली सेल और बड़े कणों वाली सेल हैं। ये बनावट के आधार पर इसका वर्गीकरण चट्टानों का। तो इसमें जब कणों का आकार छोटे कण और बड़े कणों के मध्यवर्ती के बीच में होता है तो उसमें कणों को वर्गीकरण निम्न रूप में किया जा सकता है। नंबर एक
फेनरेटिक अथवा बड़े कणों वाली आग अली सर, फेनरेटिक नंबर दो पैगमेटिटिक इग्नियस रॉक्स, नंबर चार एफिनिटिक इग्नियस रॉक्स, नंबर चार ग्लासी इग्नियस रॉक्स और नंबर पाँच फोरफायरेटिक इग्नियस रॉक्स और नंबर छः फ्रेगमेंटल इग्नियस रॉक्स। तो इस प्रकार से छः भागों में इसको भी डिवीज़न कर सकते हैं और ये बांट सकते हैं और उसका एक जो हम चार्ट के माध्यम से इन क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स को हम दर्शा सकते हैं। तो ये आपको तैयार करना है। ये कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं, 7.5 नंबर में पूछ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक्स की बात कर रहे हैं, तो ये तैयार करना है।